नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये फ्रूट बास्केट है, फ्रूट बास्केट ये फ्रूट वालों के पास मिल जाती है। आज इनसे हम सेंटर टेबल बनाएंगे। इस पिछली वीडियो में मैंने इससे अलमारी बनाकर दिखाई थी, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। ये आपकी फरमाइश पे मैं ये सेंटर टेबल बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमने कैरेट को बिछा लिया है, नहीं कैरेट भी बोलते हैं, और इनको हमने आपस में इस तरह से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद यह एकदम मजबूती से फिट हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, हिलाने पर भी नहीं हिलते हैं और एकदम स्टिक, एकदम जम जाते हैं। ये इनकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये एक दूसरे पर फिट बैठ जाते हैं ये बास्केट, और इस प्रकार हम रख रहे थे। अब इसके बाद में हम इसके ऊपर फट्टा बिछा लेंगे प्लेन करने के लिए। तो या तो आप गत्ता भी बिछा सकते हैं, या एक कोई और कोई फट्टा है तो वो उसके नाप का वो बिछा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम कपड़ा बिछा लेंगे। कपड़ा बिछाकर हम इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो लटक रहा है इसके कोने, हम इनको पकड़ के और पिन से टाइट कर देंगे। इस प्रकार कोने पकड़ के हम पिन से इनको फिट कर देंगे। आप सिल भी सकते हैं। सिलने पर क्या होगा कि ये एकदम परमानेंट कवर बन जाएगा और ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार मैंने पिन लगा दिया है, पिन लगाकर फिट कर दिया है इसके सामने की ओर दूसरी साइड भी हमने इसको फिट करके कपड़ा उठा के और पिन लगा दी है। इस प्रकार ये एक सेंटर टेबल का लुक हो गया है, चौकोर और ये फिट हो गया है। देखिए, इस बार इस तरफ भी हमने कोने उठा के और इस तरह से हम पकड़ के और पिन लगा देंगे। आप सिलाई भी कर सकते हैं, सिलाई पे भी फिट हो जाएगी। ये हमारी सेंटर टेबल बन गई है। अब इसके ऊपर आप चाहे किताबें रखिए, सेंटर टेबल की तरह यूज़ कीजिए, इसके ऊपर खाना रखिए और इस तरीके से ये बहुत काम के आने वाली यूज़फुल एक टेबल बन गई है, जो कि अपने स्पेस के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, छोटी बड़ी या जैसी भी। ये देखिए, इस प्रकार ये फाइनल लुक है सेंटर टेबल का। आप भी बना सकते हैं इस प्रकार की सेंटर टेबल। कैसी लगी आपको ये कमेंट्स करना, और पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक फॉर वॉच।